गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ विलेज का, कि मेरा विलेज कैसा है जहाँ मैं पहुंचते हुए उस समय आता हूँ तेरे पास भी आता हूँ। रुक जा थोड़ी देर, इंट्रो देने दे। ये बुलाने लग जाता है सुबह सुबह मेरा तोता, उससे मिलाता हूँ अभी आपको, क्योंकि मैं इस समय रूरल पोस्टिंग में हूँ। तो काफ़ी लोग मेरे से रूरल पोस्टिंग का ब्लॉग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हियर इट इज़। मेरा तोता इतना चिल्ला रहा है, आप पहले उससे मिल ही लो। जीनियस, क्या हुआ क्या हुआ? इसका रास्ता कहाँ से था? खोलने का भूल गया। उधर एक सेकंड, इसको मैं अपने हाथ में लेता हूँ अभी। कम आज विलेज टूर करना है, आज तेरे को बाहर नहीं ले जा सकते, तेरे को अंदर रखना है, ठीक है? आज विलेज टूर है भाई, इतनी जोर से मत चिल्ला, मैं तेरे को विलेज टूर नहीं करा सकता, तुझे बाहर नहीं ले जा सकते हैं। बाहर और जंगली चिड़िया वगैरह रहती है, तेरे को काट देंगे वो। आई एम सॉरी, बस बोल दिया ना नहीं जाना, जब विलेज टूर करवाऊंगा तेरे को तो घर पे ही रहना पड़ेगा, तू कुछ भी कर ले, इसको बाहर नहीं लेके जाना। तू कितना भी चिल्ला रहे, तेरे को मैं नहीं ले जाऊंगा। सुबह सुबह ये गाड़ी हल्ला मचाता है, आज संडे था या संडे के दिन पूरा नींद खराब कर दी। देखो चल तू अपने पिंजरे पिंजरे में जा ले, मैं इधर से बाद में मिलता हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर। कम स्टेप अप, चल बाय बाय करते सबको। गेम खेलते खेलते 4 बज गए यार। अब मैं सोच रहा हूँ अब स्टार्ट कर ही देते हैं विलेज का ब्लॉग, आपको पूरा टूर करा ही देते हैं। घर तो आपने देखा ही है, अगर फिर से देख रहे हैं तो कमेंट कर देना, मैं बना दूँगा फिर से, क्योंकि इस बार सामान है। पिछली बार जब बनाया था तो कोई सामान नहीं था घर में, जैसा भी होगा। और ये पूरा व्यू मेरी बैल्कनी से है, मेरा बैल्कनी तो क्या है, ये गैलरी समझ लो। अब विलेज दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा ये बर्ड सेंचुरी है, अक्सर हम लोग यहाँ आते रहते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि विलेज टूर में टूर कराना है तो कुछ बढ़िया बढ़िया जगह दिखाना बनता है, क्योंकि फिर सड़कें तो हर कोई देख सकता है, हर जगह सड़कें ही होती हैं। इसलिए आपको मैं थोड़ी बढ़िया बढ़िया जगह लेके आया हूँ जहाँ मैं घूमने फिरने जाता रहता हूँ। एक यहाँ का सीन ये रहता है कि यहाँ पे ना फंड वगैरह आता नहीं है, क्योंकि यहाँ मेंटेन नहीं करा उस हिसाब से, वरना ये जगह काफ़ी ब्यूटीफुल है। स्टार्टिंग में जब मैं बैंगलोर से यहाँ आया था घटा प्रभा, तो मैं बड़ा उदास था। मैंने कहा यार बैंगलोर अलग ही चीज़ है, और अब मैं गांव में चला जाऊँगा। लेकिन कर्नाटका के गांव बहुत ही बढ़िया हैं। ये घटा प्रभा गांव किसी एंगल से गांव नहीं लगता, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, आगे आप देख भी लेंगे ब्लॉग में क्यों गाँव नहीं लगता। यहाँ पे एक डैम भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सीन्स कट कट करके दिखाऊंगा, वरना ब्लॉग बहुत लंबा होता चला जाएगा। अब मिलते हैं डैम में। हम डैम पे पहुँच चुके हैं, आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, यहाँ पे सूरज बड़ा तेज है यार, इस समय आवाज़ भी आपको आई रही होगी। यहाँ पे लोग अपनी फोटो सेशन वगैरह चलता रहता है। यहाँ के पानी में ना स्मेल सी रहती है, जैसे मछलियाँ, मतलब डेड डेड फिशेज होती है इसमें। मैक्सिमम ऑब्जर्व, यहाँ पे फ्लड भी आती है कभी कभी, तो उसका वार्निंग का साइन डाला हुआ है कि अगर इसके ऊपर जाएगा पानी तो खिसक लो यहाँ से। यहाँ का इतना ही, बाकी आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। डैम का इतना ही सीन था, और इसको घटा प्रभा बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, जैसा कि आपने देखा ही था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बर्ड्स हैं, दिखी तो कोई भी नहीं, ऊपर पेड़ों में रहते हैं यार। वो आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं ब्लॉग में आएंगी कि नहीं आएंगी वो आवाज़ें। बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ी सी मैगी खाई थी, उसके बाद गेम खेलने लग गए थे। देखते हैं पूरा लाइट फूड ले लेते हैं, खाना शुरू करते हैं। अपनी डाइट की तो रेट मर चुकी है, मेरा वेट में बड़ी मुश्किल से 78 से 69 लाया था,
अब मैं दोबारा 75 का हो गया। और ये देखो टेस्टी तो बहुत है यार, क्या करें यार। मैं बहुत फास्ट फूड खाना पसंद करता हूँ, लेकिन एक चीज़ है जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ, वो है मोमोज। यहाँ कहीं नहीं मिलते हैं। ये ब्रेड पकौड़ा है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ब्रेड पकौड़ा है। इसका शेप देखो, टेस्ट देखते हैं कैसा होता है, टेस्ट भी अच्छा ही होगा। बट मोमोज की जो बात है ना, मोमोज का अलग ही लेवल है। और कौन कौन मोमो पसंद करता है कमेंट करके बताओ। खाता नहीं हूँ पर जब खाता हूँ ना तो देखो क्या से क्या हो जाता है। अब आ चुके हैं हम अपनी फेवरेट जगह पे, ये है रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये छोटा पापड़, ये छोटा पापड़ देख रहे हो, ये छोटा पापड़ है। इस समय मैं खड़ा हूँ अपनी SBI ब्रांच के आगे जहाँ मैं वर्क करता हूँ, और अगल बगल का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। यहाँ बगल में रोड जाती है, यहाँ से दुबदाल विलेज के लिए रास्ता जाता है, और ये मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे से गन्ने के ट्रक जाते रहते हैं, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा है, गन्ने की, स्वीट कॉर्न की, और थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी होती है। लेकिन गन्ना और स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा है इस जगह पर। बाकी आज मैं आपको पूरा टूर कराने वाला हूँ अपने पूरे विलेज का। पपाया देख रहे हो, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। मन तो कर रहा है चढ़ जाऊँ ऊपर, लेकिन लोग पत्थर मारेंगे चढ़ गया अगर। ये नर्सरी है, यहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है। मजाक कर रहा है यार, ये प्लांट्स वाली नर्सरी है जहाँ प्लांट्स को उगाया जाता है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि उनकी बेस्ट स्पीशीज़ क्रिएट करी जा सके। तो ये यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, ये भी है उस साइड भी है। यहाँ पे उन्होंने बच्चों को पढ़ने मत भेजना। कोकोनट का पेड़ है यहाँ पे, कोकोनट इसीलिए इतने सस्ते मिलते हैं 25-25 रुपए के, क्योंकि यहाँ कोकोनट की खपत बहुत ज़्यादा है। खपत नहीं मतलब यार, उगत बहुत ज़्यादा है, उगते बहुत ज़्यादा है कोकोनट यहाँ पे। ये इमली का पेड़ है, इमली भी होती है यहाँ, लेकिन इमली यार महंगी मिलती है, इमली सस्ती नहीं मिलती। ये हमारा छोटा सा आम का पेड़ है, ये बड़ा होएगा। बाकी ये गन्ने हैं, और वो पपाया मैंने आपको दिखाई दिया पहले, जिसको मैं तोड़ने की सोच रहा हूँ। लोग यहाँ गश्त लगा रहे हैं, इसको तोड़ नहीं सकते। अब मैं आपको अंदर लेके जाने वाला हूँ यहाँ से अपने विलेज के। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काफ़ी लोग मुझे कहते रहते हैं कि आप विलेज में नहीं, सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं। हालांकि मैं रूरल एरिया में ही पोस्टेड हूँ, SBI की रूरल पोस्टिंग ऐसे ही होती है। और घटाबरपा जो एरिया है वो बिल्कुल बीच मार्केट में मैं रहता हूँ, बैंक भी वहीं पर है, क्योंकि बैंक हमेशा बीच मार्केट में ही होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा अगल बगल जाके देखें तो विलेजेस दिखना शुरू होते हैं, जैसे कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे इस विलेज में यार मज़ा बहुत आता है। एक तो यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है, यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ना यहाँ ज़्यादा ठंड होती है। वैसे ऑल ओवर कर्नाटका ज़्यादातर वेदर ऐसा ही रहता है, बट बैंगलोर का सीन भी ऐसा ही था, और इस विलेज का सीन भी ऐसा ही है। ना यहाँ ज़्यादा गर्म है, ना यहाँ ज़्यादा सर्दी है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल विलेज टाइप है, पूरा विलेज एरिया है। तो जितने भी लोगों को शक था कि मैं सेमी अर्बन एरिया में हूँ, तो गाइस ऐसा नहीं है, मैं विलेज एरिया में ही हूँ। बट जो SBI की ब्रांच होती है वो ऑब्वियसली आपके 4-5 गाँव से मिला के एक बीच के गाँव में होती है, और घटाबरपा गाँव जो है वो थोड़ा ख़तरनाक टाइप का गाँव है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें अवेलेबल। वो मार्केट एरिया है, और SBI की ब्रांच हमेशा मार्केट एरिया में ही होगी। हालांकि वहाँ का मार्केट ऐसा है कि जैसे एक नॉर्मल टाउन का छोटा सा कस्बा होगा, इसको सेमी अर्बन आप कह सकते हैं। वो मोर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या मोर? वो पेड़ में बैठा है। जूम करना, चलो जूम करना, अब दिखा होगा आपको। ये देखो, ये देखो, देखो अब दिखा होगा पक्का, अब तो पक्का दिखाई होगा। सबके साथ लिख दो कमेंट में मोर ओपी। ये मोर ओपी। अब बोलो कौन कौन कह रहा था कि तुम विलेज में नहीं रहते, तुमने विलेज नहीं देखा आज तक, ये बोल सो भाई। ये विलेज ही है, लेकिन ये भयंकर विलेज है, इतनी बार बोल चुका हूँ। बाकी सीन ये है कि जहाँ पे हमारा SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक्चुअली एरिया मार्केट वाला एरिया है, क्योंकि बैंक मार्केट के एरिया में ही होता है। SBI तो आपकी, जितने भी लोग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SBI बैंक, तो ये समझ लो कि SBI बैंक की रूरल पोस्टिंग भी आपकी ऐसी जगह पे ही होने वाली है, खासकर अगर आप कर्नाटक में आएंगे तो। कि कर्नाटक के विलेजेस कंपैरेटिवली हमारे नॉर्थ के विलेजेस से बहुत अच्छे हैं। नमस्कार अंकल जी, चेन्नई की दीदा, नमस्कार। और हाँ, चन्ना गिदीरा का मतलब है आर यू फाइन, उन्होंने कहा चन्ना गिदीनी, मतलब यस आई एम फाइन। चन्ना गिदीरा कमेंट में बताओ। वो देखो कितने सारे मोर हैं, 3 वो हैं,
तीन चार वो भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले उड़ते हुए भी गया था एक, वो भी है अलग से। यार यहाँ मोर बहुत सारे हैं यार, मेरे को तो लगा नहीं था इतने सारे, आज तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इतने सारे मोर। गाइस देखो यहाँ पे भी व्यूज बहुत बढ़िया है, एक ब्रिज वो है, एक ब्रिज यहाँ पे नहीं है, एक ब्रिज यही है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ठीक है, दो ही ब्रिज है, ज़्यादा ब्रिज भी है। अपना टाइम याद आ गया क्रिकेट का, मैं और मेरा भाई दोनों पहली बॉल में आउट होते थे, लेकिन खेलते थे फिर भी ज़बरदस्ती, बैट हमारे पास ही था क्योंकि, तो हमारे भैया क्या करते थे हमसे पहली बॉल में आउट करके बैट ले लेते थे, बहुत चालू थे यार। तेज में संडे को ना मार्केट लगता है, तो यहाँ पे पूरी चहल पहल रहती है संडे के दिन, और भी दिन भी रहती है लेकिन संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही चहल पहल रहती है, जैसा कि आप देख सक रहे होंगे। आपको मैंने बहुत जल्दी दिखा दिया, अब घर जाने का टाइम होने वाला है, तो इसलिए नारियल पानी पी के जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी दिन ख़त्म भी ऐसे ही हो रहा है, देख लो आप। और ये ऑलमोस्ट रोज़ का ही है, हम एक या दो तो रोज़ पीते ही पीते, तुम भी पिया करो, इलेक्ट्रोलाइट सब मिल जाते हैं, टेस्टी भी होते हैं, बट हम इसलिए डेली पीते हैं क्योंकि 25 रुपए का है, नॉर्थ में 50-60 रुपए का है, वो मैं पीना डेली।